28 जुलाई से बर्मिंगम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आगाज हो गया है। इसी बीच एथलीट हिमा दास का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। Again for you. Stacey Ann Williams is in one, Vandy in two, Miklos in three. We're looking at Das in four. Off they go. We'll keep a very close eye on Hima Das in lane four. Connolly has gone out well though, outsider, and so has Manson as they hit the back straight in the 400 metres final. She can see the line, she can see history. India's never won any medal in a track event, but Das has done it here. Brilliant. 51.47, history made in Tampere. Hima Das has done it. वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता। इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने हिमा दास की ये तस्वीर ट्वीट करते हुए ऐसा ही दावा किया। बाद में उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। ये दावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी किया था, हालांकि बाद में उन्होंने भी ये ट्वीट डिलीट कर दिया। इसी दावे के साथ यूजर्स जोरों शोरों से ये दावा शेयर कर रहे हैं, लेकिन वेरीफाइड हैंडल्स वाले यूजर्स आसान सा कीवर्ड सर्च गूगल पर करते तो उन्हें सच्चाई का पता चल जाता। कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला 200 मीटर का फाइनल 6 अगस्त को, वहीं 4x100 रिले का फाइनल 7 अगस्त को है। यानी हिमा दास ने अभी तक खेलना शुरू भी नहीं किया और लोग उन्हें गोल्ड मेडल जीतने की बधाई देने लगे। अब आते हैं इस वीडियो पर। गौर से देखने पर हमें ग्राउंड में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप टेम्परे 2018 और टेम्परे स्टेडियम लिखा हुआ दिखा। बस इस आधार पर गूगल पर सर्च करने से हमें हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट मिली। इसमें बताया गया है कि हिमा दास ने चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। वो ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने भी 2018 में रेस का ये वीडियो ट्वीट किया था, वहीं इसके यूट्यूब चैनल पर भी ये वीडियो पोस्ट किया गया था। यानी यूजर्स ने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में हिमा दास के गोल्ड मेडल जीतने का दावा 2018 का ये वीडियो ट्वीट करते हुए शेयर किया।